आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। सीएम योगी ने आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। सीएम योगी ने आज गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, अयोध्या, गोंडा और बाराबंकी के सभी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने सभी जिलों के जिलाधिकारियों से बाढ़ राहत कार्यों का विस्तृत रिपोर्ट मांगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने सरयू तट स्थित सरयू होटल में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की और अधिकारियों से ग्राउंड पर जाकर निरीक्षण करने की बात कही। वास्तव में नेपाल से पानी छोड़ने के कारण ये सरजू नदी जो है, जिसको घाघरा भी कहा जाता है, इसका प्रकोप बढ़ा था। बहुत सारे गांव बाढ़ की चपेट में आ गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी कल गोरखपुर जा रहे थे, वहाँ से उनको दिखाई पड़ा था। आज उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया है और अधिकारियों से बात किया है कि उन लोगों को राहत सामग्री मिली है कि नहीं मिली। लखनऊ में आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें निकाय चुनाव को लेकर आपकी तैयारियां क्या हैं, इसका जायजा दिया गया। साथ ही निकाय चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए आवेदन पत्र जारी किया गया। इसी क्रम में राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्राइम टीवी टीम से क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। और अच्छा सम्मेलन हुआ, तीनों सम्मेलन जो अब तक हुए हैं। अब आगे चुनाव में अच्छे प्रत्याशियों का चयन, मजबूत संगठन का निर्माण बूथ लेवल पर और उसके नीचे मोहल्ला प्रभारी के लेवल पर, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में पन्ना प्रभारी का सिस्टम है, आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला प्रभारी का सिस्टम बनाया है। ये मोहल्ला प्रभारी 30 घर के ऊपर एक मोहल्ला प्रभारी होंगे। ये नगरों के अंदर हमारी कमेटी का ढांचा होगा, संगठन का ढांचा होगा। साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी। सर, आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, डिटेन करके आपके कार्यकर्ताओं की रस्म लिया गया, क्या कहें? ये एक नया चलन आदित्यनाथ जी की सरकार ने शुरू किया है कि जो कार्यालय है पार्टी का, वहां पे छावनी बना दो। आप मुझे बताइए, ये आम आदमी पार्टी का दफ्तर है, यहाँ पे आपने पुलिस छावनी बना दी। आपको पकड़ना चाहिए गुंडे, डकैत, माफिया, चोर को। आप पकड़ किसको रहे हैं? आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता को पकड़ बहादुर बन रहे हैं। तो इसलिए ये समझना होगा आदित्यनाथ जी को कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई डिक्टेटरशिप नहीं है यहाँ पे। और किस मुद्दे पे लोग आंदोलन कर रहे थे? ये महंगाई के सवाल पे आंदोलन कर रहे थे। आप उनको पकड़ रहे हो, लाठी चला रहे हो, जेल भेज रहे हो, ये क्या तरीका है? अच्छा संजय जी, हमें ये बताएं कि आज जो सपा है वो वॉकओवर की है विधानसभा की कार्रवाई को, इस पर आप क्या सोचते हैं? उनके तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि समय नहीं मिल रहा है। मैंने देखा नहीं कार्रवाई, तो इसलिए उस पर कोई प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं होगा। शुक्रिया हमसे बात करने। तो हमारे साथ राज्यसभा सांसद संजय सिंह थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो संवैधानिक मूल्य है प्रदर्शन का, उसको जो प्रदर्शन हम कर रहे हैं तो रोका जा रहा है, ये कहीं ना कहीं संवैधानिक मूल्यों का हनन है। कैमरामैन दीपक के साथ विभांशु, प्राइम टीवी, लखनऊ। खबर गाजीपुर से, जहाँ बीएसपी सांसद अफजल अंसारी गैंगस्टर मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। वहीं कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में अफजल का चार्ज फ्रेम किया, साथ ही मामले की अगली तारीख 3 अक्टूबर को निर्धारित की गई। बता दें कि मामले में सांसद अफजल अंसारी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिए गए हैं। यहां पर जो एमपी एमएलए कोर्ट है, इनके यहां से आज की तिथि लगा के कहा गया कि इसमें चूंकि स्थगन आदेश नहीं है उसमें, इसलिए चार्ज की प्रक्रिया रोका जाना न्यायोचित नहीं है। चार्ज हमें भी इसमें कोई आपत्ति नहीं है, जब एक आरोप है तो उस आरोप के समर्थन में चार्जशीट है और उसका ट्रायल होना चाहिए, इसलिए हम कोर्ट में आए। लखीमपुर खीरी में एक बार फिर किसानों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। किसानों के विभिन्न समस्याओं को लेकर बेहजम विकासखंड में भाकियो अवध के बैनर तले हजारों किसानों ने मिलकर किसान पंचायत लगाई। किसानों की अगुवाई में संगठन के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष श्यामू शुक्ला व आयोजन जिला संरक्षक रवि तिवारी रहे। किसान नेता श्याम शुक्ला ने किसानों को संबोधित किया। वहीं किसान पंचायत में अमित शुक्ला, रमेश वर्मा,
अतुल मिश्रा, हेमराज वर्मा समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। कानपुर में सुप्रीम कोर्ट के वकील महबूब प्राचा ने मीडिया पर की गई अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में कानपुर प्रेस क्लब में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान महबूबा प्राचा का पुतला भी फूंका गया, साथ ही जोरदार नारेबाजी कर पत्रकारों ने अपना गुस्सा जताया। इससे पूर्व पत्रकार कानपुर प्रेस क्लब कार्यालय नवीन मार्केट में एकत्र हुए। कानपुर हिंसा के मामले में जो आरोपी पकड़े गए हैं उनके वकील आए थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने यहाँ बहस हैस की, फिर उसके बाद मीडिया से रूबरू हुए। उस दौरान उन्होंने मीडिया पर ही आरोप लगा दिए, मीडिया के निष्पक्षता पर सवाल उठा दिया और जो मुख्य धारा के चैनल एनएल हैं उन पर उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए। ये बेहद निंदनीय है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हम लोगों ने पुतला दहन कर अपना विरोध जताया है। अगर वो दोबारा कानपुर में आएंगे तो उनको काले गुब्बारे दिखाए जाएंगे, काले कपड़े दिखाए जाएंगे। हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे ताकि मीडिया का कोई इस तरह का अपमान ना कर सके। देखिए, आज कानपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष द्वारा और यहाँ जो उनके सदस्यगण हैं उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के एक लायर हैं महबूब प्राचा साहब, उनके विरुद्ध माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन दिया है और ये ज्ञापन मैंने प्राप्त किया और इसे हम उचित माध्यम से संबंधित को प्रेषित कर देंगे। सीतापुर के तहसील सिधौली में हिंदू संगठनों ने जमकर बवाल किया है, साथ ही हिंदू विश्व परिषद के कार्यकर्ताओं ने बताया कि यहां पर अवैध तरीके से भूत भगाओ जैसे कार्यक्रम किए जा रहे थे, जिसके बाद जब हिंदू संगठनों को इस मामले की जानकारी हुई तो वहां पहुंचकर उन्होंने इसका विरोध किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव के अवसर पर बिजनौर में सेवा पखवाड़ा की श्रृंखला में वोकल फॉर लोकल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका आयोजन जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र ने एक निजी मंडप में किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष ने सभी से क्षेत्रीय उत्पादों को बढ़ावा देने का आग्रह किया, साथ ही वोकल फॉर लोकल के तहत लगी एक इस प्रदर्शनी में सभी ने कुछ न कुछ खरीदने का आह्वान भी किया गया। वोकल फॉर लोकल वाला अपना प्रोडक्ट है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अनुसार ये प्रदर्शनी, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट हैं, जो हमारे देश हमारे ज़िले में बनाई गई चीज़ें हैं, वो हमारे ज़िले के लोगों को नहीं पता चल पाता है, इसलिए वो हमारे ज़िले के लोगों को पता चले और हम ये चाहते हैं इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए जो अपने कार्यकर्ता कार्यक्रम में आते हैं वो इन प्रोडक्टों को खरीदेंगे, तो जो हमारा व्यापारी है, जो हमारे काम करने वाले लोग हैं, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, वो लोग हमारे उनका उत्साह बढ़ाने के लिए ये ऐसी प्रदर्शनी लगवाई गई है। खबर गाजीपुर से, जहां पर जमीन विवाद के चलते युवक को गोली मार के हत्या कर दी गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में इस्तेमाल लाइसेंसिंग पिस्तल भी बरामद कर दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। यह मामला दुल्हनपुर थाना क्षेत्र के शिवपुर गांव का है। थाना क्षेत्र दुल्लापुर में आज सवेरे 5:30 बजे पुलिस को यह सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति को गोली लगी है, उसको तत्काल अस्पताल शिफ्ट न कराया गया था। उसकी अस्पताल जाते समय उसकी मृत्यु हुई है। उसका नाम गुड्डू यादव है। जिस व्यक्ति ने उसकी हत्या की थी, इन लोगों का आपसी ज़मीनी विवाद के कारण ये पूरी घटना हुई है। मुलजिम गिरफ्तार हो गए हैं, 3 मुलजिम इसमें गिरफ्तार हुए हैं। उसमें जो आला कतल लाइसेंसी पिस्टल इस्तेमाल हुई थी वो भी बरामद इसमें कर दी गई है। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां एक तरफ प्रदेश शासन प्रशासन खनन माफियाओं पर शिकंजा कसने का दावा करते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये दावा अब सिर्फ कागजों में शोभा बढ़ा रहा है। जब राजधानी में खनन माफिया सरकार के मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं तो बाकी जिलों की बात तो कुछ और ही है। मामला गुडम्बा के कपासी गांव के बृहस्पतिवार देर रात तेज रफ्तार जेसीबी ने खेत की रखवाली कर रहे किसानों को रौंद दिया। गंभीर रूप से घायल किसान को स्थानीय लोगों की मदद से ट्रामा सेंटर में पहुंचाया गया है, जहां किसानों का इलाज के दौरान मौत हो गई। इलाहाबाद में फीस वृद्धि को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। एक ओर जहां
छात्र 18वें दिन अमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, तो दूसरी ओर छात्रों का एक समूह शव यात्रा निकालने के बाद आज मुंडन संस्कार का कार्यक्रम कर रहे हैं। छात्रों का कहना है जब तक बड़ी हुई फीस वापस नहीं ले ली जाती है तब तक हम इसी तरह कार्यक्रमों का आयोजन करते रहेंगे। वहीं जिला प्रशासन ने इस पूरे मामले में सुलह समझौता कराने में जुट गया है। देखिए, कल हम लोगों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की शव यात्रा निकाली थी, परंतु बीच रास्ते में पुलिस द्वारा कुलपति के सब को छीन लिया गया था, परंतु काफ़ी मशक्कत के बाद हम लोग रात में किसी तरीके से शव को ढूंढा और रात में शव को जलाया भी यहाँ शमशान घाट चौराहे पे। आज हम लोग मुंडन करा रहे, कल तिरहवीं करेंगे। विरोध के जितने भी तरीके हैं, जब तक हमारी मांग नहीं, 18 दिन से हमारे साथी यहाँ अपने तड़ियों को सुखा रहे हैं, परंतु इनको हमारी पीड़ा से कोई लेने, मुकदमे लगातार दर्ज किए जा रहे हैं हमारे ऊपर, हमारे घरों में पुलिस भेजी जा रही, हमें परेशान किया जा रहा है, तो आखिरकार हम क्या ना करें, हम क्यों ना इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें, क्यों ना हम ऐसे विरोध करें। और आगे जिस प्रकार से अगर हमारे साथियों को कुछ हुआ जो हमारे अंदर बैठे हैं, तो आगे जाके देखिए कि पूरा क्या होगा। फरीदाबाद में भारी बारिश के चलते आफत आ गई। ये शहर किसी भी सेक्टर जलभराव से बच नहीं पाया। कागज़ों पर तो करोड़ों रुपए खर्च हो गए, जिससे शहर में बारिश के पानी की वजह से दिक्कत ना हो। शहर के सभी प्रमुख चौक चौराहे, कॉलोनियों, सड़क और गली तालाब में तब्दील हो गई हैं। कई जगहों पर जाम की स्थिति बन गई है। नालों और नालियों की सफाई पर खर्च किए गए करोड़ों से अधिक की राशि बारिश में बह चुकी है, जिसकी वजह से कई जगहों पर जाम की स्थिति बनी हुई है। सड़कों पर जलभराव होने से शहरों की यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। 11 बजे से बारिश शुरू हुई है जी, बारिश बंद ही नहीं हुई है, सारे रोड भरे हुए हैं, कॉलोनियां भरी हुई है, मतलब घरों में पानी पहुंचने का नंबर आ गया है, और कंप्लेक्स वाले ने कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इन दिनों बरसात की मूसलाधार बारिश के बाद गंगा किनारे बसे कई गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। ऐसे में गंगा के बढ़ते जलस्तर के बाद गंगा का पानी खेत खलिहान में होता हुआ अब घरों की दहलीज तक पहुंचने लगा है। लगातार हो रही आफत की बारिश से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। साथ ही कचरे मकान वालों पर बारिश का पानी से मकान की बुनियाद को घेरना शुरू कर दिया है। बाढ़ आ गई। क्या क्या नुकसान हुआ आपका? खराब हुई सारी फसलों का, बचाई का पेड़ बन गया था, सारा सिनाव जमा पानी। फसलों में क्या क्या बताओगे कुछ? तभी तो फसलों में गोभी है, मूली है, सलम है, लौकी, तोरी। जमा पानी फिर गया, पानी फुल खत्म हो गया, पानी का टुकड़ो पानी हो गया। पहाड़ पे बारिश हो रही लगातार, और पहाड़ का पानी आ गया और सारी नदी चढ़ गई, और जितनी हमने फसल बोई थी सारी खत्म हो गई। क्या क्या वो रखा था? लौकी थी, धनिया था, पुदीना था, मूली, शलजम, तो सारे पानी पानी फिर गया। लखीमपुर खीरी पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले। सामाजिक न्याय और अधिकारिता केंद्रीय राज्य मंत्री नाबालिग दलित बहनों की रेप के बाद हत्या की गई है। दोनों बहनों को पेड़ पर लटका दिया गया था। मामले में मंत्री ने उनके घर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की। लड़कियों के पिता ने कहा कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मंत्रालय की तरफ से 16.5 लाख रुपये की मदद की जाएगी। पुलिस ने भी मामले की जानकारी ले ली गई। मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन जो आज उनके पिताजी से, उनके भाई से, उनके परिवार से जो मैंने तो सुना है, ये घटना बहुत बड़ी गंभीर घटना है, दर्द भरी घटना है। दो बहनों का जो मतलब उनके ऊपर अत्याचार करके जो उनकी हत्या हुई है, ये मानवता को कलंक लगाने वाली घटना है। ये घटना बहुत बड़ी मन को दुखी करने वाली घटना है। आज भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन इसी तरह की मेंटेलिटी समाज से दूर नहीं हो पा रही है, और समाज ने मतलब इसी तरह की मेंटेलिटी को खत्म करना चाहिए। यूपी के हमीरपुर जिले में बीते दिनों हुई झमाझम बारिश के बाद चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। सड़कों से लेकर घरों तक पानी घुस गया है, जिसके बाद आवागमन तो बाधित हो रहा है, साथ ही कच्चे घरों के गिरने का सिलसिला भी जारी है। आलम यह है कि खेत खलिहान, सड़कें और सरकारी दफ्तरों तक बारिश का पानी घुस गया है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगभग कुरारा का 50% गाँव प्रभावित है, टाउन एरिया, जिसमें गईगे नाला पूरा जाम, उस बस्ती से कोई आ जा नहीं सकता है। गौली रोड और रिठारी रोड जाम है, और ये मई तालाब पूरा भरा हुआ है, टेंडी मॉल पूरा भरा हुआ है, टेंडी मॉल, और गांव में स्थिति पाली रोड बंद है,
चखेला रोड बंद है, मनकी रोड, कंडौर, इन सभी गांव में पानी रोडों से एक एक फीट दो दो फीट ऊपर चल रहा है। और इधर पे कल से बारिश से लगातार बारिश होने से बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। इधर घरों में इतना पानी भर चुका है और रोडों में भी इतना ज़्यादा पानी भर चुका है कि यातायात की पूरी व्यवस्था ठप हो चुकी है। और परेशानी ये है कि डिवाइडर की वजह से अगर थोड़े से अगर 10 फीट का अगर कट लगा दिया जाए तो इधर का पानी निकल सके, तो इससे यातायात की व्यवस्था ठीक हो जाएगी। लायंस क्लब शाहजहांपुर शक्ति की अध्यक्ष लायन अनुप्रिया गुरवर की ओर से खिरनी बाग स्थित व्यापार मंडल कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं आयोजन ने पत्रकारों को बताया कि लायंस क्लब शाहजहांपुर शक्ति 25 सितंबर को सुबह 11 बजे छाए हुए कुआं स्थित आल सेंटर स्कूल सेंट्स स्कूल में वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज के सहयोग से एक मेगा हेल्थ चेकअप कैंप लगाया रहा है, जिसमें कैंसर जागरूकता अभियान के तहत कई तरीके से निःशुल्क जाँचें निःशुल्क दवाइयाँ दी जाएंगी। वहीं पत्रकार वार्ता में लायंस अनुप्रिया ग्रोवर, गुरमीत कौर, सपना सिंगल, मनदीप कौर, कंचन अरोड़ा मौजूद रहीं। जी, ये लायंस क्लब शक्ति के द्वारा समय समय पर हेल्थ कैंप और हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के ऊपर जागरूक करने के लिए डायबिटीज़ कैंप लगते रहते हैं। इस बार इस जिस तरीके से ये मंथ कैंसर का चल रहा है उसको देखते हुए हमने कैंसर अवेयरनेस के साथ साथ मेगा हेल्थ कैंप की व्यवस्था की है, जिसके लिए हमने बंथरा से वरुण अर्जुन की टीम मंगवाई है, पूरी बुलाई है। और इसके साथ साथ डॉक्टर प्रतिष्ठित डॉक्टर रवि मोहन और डॉक्टर संगीता मोहन इस पर जागरूकता कैंसर जागरूकता पर पेरेंट्स को अवेयर करेंगे कि किस तरीके से अर्ली स्टेज पर ही हमें कैंसर का पता चल सके। औरैया में खेत पर गया वृद्ध तालाब में गिर गया, जिसके बाद परिजनों ने एम्बुलेंस को सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंचे एम्बुलेंस की मदद से वृद्ध को सीएससी दिबियापुर लाया गया, जहां डॉक्टरों ने वृद्ध को मृत घोषित कर दिया। पूरा मामला दबियापुर थाना क्षेत्र के गुलरिहा गांव का है। पानी गिरने से ये आपके कौन थे? ये मेरे चाचा है। चाचा, इनकी उम्र कितनी है? 60 साल। इनके पिता का क्या नाम? नंदलाल। कहाँ के निवासी हैं? गुलरिया। इनकी कैसे मौत हो गई? ये पानी मतलब पानी लेने गए, एम्बुलेंस पहुँची खेत में, एम्बुलेंस पहुँची खेत में, घूमने गए थे, खेत देखने आए, उनके खेत है उनके पास में, तो खेत देखने गए, वही तालाब फसल गए, वहाँ पर चले गए तालाब में, व्यक्ति आए थे और उनकी पानी में डूबने से मौत हो गई है। पूरे प्रकरण में चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचा और ये बताया गया कि ये वृद्ध जो उमा शंकर नाम के हैं और इन ये खेत में घूमने गए थे, जहां पर तालाब में ये डूब गए। इनके बेटे अनिरुद्ध द्वारा इनको तत्काल अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई है। सारे प्रकरण की जाँच की जा रही है, अगर कोई अन्य तथ्य प्रकाश में आते हैं तो नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। यूपी में योगी सरकार ने नशे के कारोबारियों पर शिकंजा कसने के लिए हर जिले में नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत कर दी है। इस क्रम में बिजनौर में एसपी ने 4 दिवसीय नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत कर दी। इसकी शुरुआत उन मेडिकल एसोसिएशन केमिस्ट फार्मासिस्ट से की गई है जो कि मेडिकल की दुकान की आड़ में नशे के कारोबारियों में अहम भूमिका निभा रहे हैं। एसपी ने सख्त आदेश के बाद कई मेडिकल एसोसिएशन ने नशा मुक्ति अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की बात भी कही। जनपद में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए हमने एक सामुदायिक पुलिसिंग का कम्युनिटी पुलिसिंग के स्तर पर हम काम कर रहे हैं, जिसमें आज हमने मेडिकल एसोसिएशन के जो जुड़े लोग थे, जो दवाई बेचते हैं, फार्मासिस्ट हैं, केमिस्ट हैं, उन्हें बुलाया था क्योंकि और उनसे अनुरोध किया कि उनके कुछ दुकानों से जो नशे की सामग्री बाहर जा रही है गलत ढंग से, उस पर वो अंकुश लगाएं। और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि उनकी एसोसिएशन ऐसे किसी व्यक्ति का समर्थन नहीं करेगी। प्रदेश का इकलौता पितृपक्ष का कार्यक्रम यह माना जा रहा है कि पितृपक्ष के विगत 3 वर्षों में संत छोटे बाबा विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता तिलधर दुबे विपी के अवध प्रांत धर्म यात्रा प्रमुख की अगुवाई में भारत के वीर सपूतों का श्राद्ध तर्पण का अनूठा कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ प्रदेश का पहला ऐसा कार्यक्रम है जिसे भारत के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी जाती है।
कोंडा में कंटेनर 11,000 लाइन के खंभे से टकरा गया, जिससे ट्रक में आग लग गई, जिसके बाद ड्राइवर किसी तरह जान बचाते हुए ट्रक से कूद गया। वहीं देखते ही ट्रक जलकर खाक हो गया, लेकिन करंट की चपेट में आने से ड्राइवर काफ़ी झुलस गए। पूरा मामला रामापुर दुबहा बाजार रोड का है। मुंबई के जिला सैनिक कल्याण विभाग में शहीद सैनिकों के श्राद्ध का कार्यक्रम कराया गया। संयोजक अंकित शुक्ला के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी दौरान शहीदों के बलिदान को भी याद किया गया। हमारे भाई हैं, इन कामों के लिए आगे से आगे आते रहें, क्योंकि हमारे जो सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा करते हैं, हमारे सैनिक भाई वो शहीद होते हैं, उसके बाद आज जानते हैं हम लोग माता पिता को भी। काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो पानी नहीं देते, हम लोग तो शहीदों को याद करना चाहिए, क्योंकि जब वो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, आज हम उनकी वजह से सो रहे हैं, सुकून की नींद सो रहे हैं, वो अपने को निछावर कर रहे हैं, तब हम उनकी वजह से सो रहे हैं। औरैया जिले के अजीतमल थाना क्षेत्र के गांव हैदरपुर के एक मोर 80 फीट गहरे कुएं में गिर गया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारी उस मोर के लिए फरिश्ता बनकर आए। दरअसल कुएं में जिंदा गिरने की भनक जैसे ही ग्रामीणों को लगी, उन्होंने सूचना 112 को दे दी, जिसके बाद मोर को जिंदा निकालने की कवायद शुरू हो गई। ठीक है, ये तो हम लोगों का कार्य है, जीव रक्षा करना है, हम लोगों ने जीव रक्षा कार्य किया, नीचे उतर के जीवित थी, नीचे उतर के जाके देखा, रस्से से उतर के नीचे जा करके। मोर को बताया जा रहा है कि चोट लगी हुई है। हाँ, मोर के एक पैर में चोट लगी हुई है। अच्छा, क्या कारण रहा होगा? अभी तो पता नहीं, पहले से लगी, संभवतः पहले से लगी हुई है ये। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।